नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए, किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए और बिछियों से जुड़ी क्या सबसे बड़ी गलती औरतें आमतौर पर कर बैठती है जिसके कारण उनके पति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाएं पांव में बिछिया पहनती है। हमारे धर्म में दोनों पांव के बीच की तीन उंगलियों में बिछिया पहनने का रिवाज है। औरतों के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच होते है, यानी बिछिया औरतों का आखिरी जेवर है। औरतों के सर पर सोने का टीका और पांव में चांदी की बिछिया पहनने का कारण है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर जीवन भर बनी रहे। लेकिन ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित भारतीय महिलाएं बिछिया पहनती हैं। बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो शादीशुदा है, बल्कि इससे महिलाओं का मासिक चक्र नियमित होता है। चलिए जानते हैं कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को बिछिया दाहिने और बाएं पैर की दूसरी उंगली में पहनना चाहिए, यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में इसे पहनना सही माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में बिछिया पहनती है, वो भी ठीक है, लेकिन कभी भी तीन एक पैर में नहीं पहननी चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए। हर महिला शादी के बाद अपने पैर में बिछिया पहनती है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बिछिया सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही पहननी चाहिए, कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं के लिए तो बिछिया बहुत ही जरूरी है। महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भ धारण में कोई भी समस्या नहीं आती है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि अगर पत्नी अपने पैर में बिछिया सही ढंग से नहीं पहनती है तो बिछिया पति की गरीबी का कारण बन सकती है। दोस्तों, महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। माथे की बिंदी से लेकर पांव में पहने जाने वाली बिछियों तक हर एक श्रृंगार का अपना एक महत्व है। लेकिन बिछिया पति की गरीबी का कारण क्यों बनती है, चलिए जानते हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि बिछिया हमेशा चांदी की ही पहननी चाहिए। भूल कर भी कभी सोने की बिछिया ना पहने। पत्नी को बिछिया इतनी ढीली कभी भी नहीं पहननी चाहिए कि वो पैरों से निकल जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अपनी पहनी हुई बिछिया कभी भी किसी को ना दे। ऐसा करने से पति को गरीबी और बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो ये भूल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पैरों में पायल या बिछिया घुंघरू वाली पहननी चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसे घरों में वास करती है। दोस्तों, अगर आपके पति को अपने हर काम में असफलता हाथ लगती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सिर्फ बिछिया ही नहीं बल्कि कुछ और सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। जैसे सुहागन महिलाओं को भूल कर भी उपहार में दिए गए सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर पति ने दिया है तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पति के अलावा अगर किसी और ने आपको सिंदूर दिया है तो उसे आप अपनी मांग में ना लगाएं, ये अशुभ माना जाता है। इसी के साथ चूड़ियों से जुड़ी एक खास बात भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। एक सुहागन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन खरीदी गई चूड़ी पहनते हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। ये बात जान लें कि सुहागन महिलाओं के लिए चूड़ियां पहनना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है चूड़ियों का रंग, क्योंकि दोस्तों आप कौन से रंग की चूड़ियां पहनते हैं इसका सीधा असर आपके पति पर पड़ता है। साथ ही याद रखें कि चूड़ी अगर कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। चलिए अब चूड़ियों के रंग की अगर बात करें तो आपको लाल रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। लाल रंग की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। इससे आपके पति के जीवन में तरक्की तो देखने को मिलती ही है, साथ ही पति की लंबी आयु के लिए भी ये शुभ है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है।
वैसे तो महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ी पहन सकती है, लेकिन शादीशुदा महिला को सफेद और काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सफेद और काले रंग की चूड़ियां सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती है। ये बुरी किस्मत लेकर के आती है और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। जो महिलाएं सफेद या काले रंग की चूड़ी पहनती है उसके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। ये इतनी ज्यादा अपशगुन साबित हो सकती है कि बुरी किस्मत या अनहोनी के चलते आपके पति को किसी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जहां तक हो सके सुहागन औरतों को सफेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।